हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ शब्दों के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से शब्द तो उपयोग होते ही हैं, साथ में अगर जनजाति पढ़ेंगे तो हम बार बार इस शब्द प्रयोग में आएंगे। तो उस शब्द को पढ़ने के लिए यहाँ पर उस शब्द को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में भी सहूलियत हो और आप जनजाति पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ने में भी सहूलियत हो। इन वर्डों से देखें तो आप लोग काफी परिचित होंगे, लेकिन वो नए स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो अभी नए नए तैयारी में आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तब भी इसको जानिए। पहला जो शब्द है दोस्तों, युवागिरी। तो यहाँ पर देखिए जितने शब्द हैं वो जनजातियों की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और यहाँ पर बार बार प्रयोग में आएंगे। तो युवागिरी, तो युवागिरी किसे कहते हैं, युवागिरी क्या है? तो युवागिरी कहेंगे दोस्तों कि जो जनजातीय इलाका है, जो किसी जनजाति, मान ली संथाल जनजाति हो गया, उराव जनजाति हो गया, हो जनजाति हो गया, तो सभी जनजातियों में जितने भी 32 ट्राइब देखने भी हमारे झारखंड में है, तो 32 ट्राइबों में सभी की एक अपनी अपनी महत्व है। उसी प्रकार से जो जनजातियां हैं तो उनकी एक अलग ही संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, तो उसी संस्कृति और सभ्यता में युवागिरी स्थान भी होता है। एक गाँव में देखें तो एक घर होता है, अब धीरे धीरे विलुप्त के कगार में है, फिर भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो युवागिरी जो है ये जनजातियों में एक घर होता है जो गांव में होती है, उस घर में देखें तो लोगों को उस जनजाति से संबंधित अपने रीति रिवाज का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसको किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जो कुंवारी लड़का लड़कियों है। युवागिरी अगर देखा जाए, बोला जाए तो ये कुंवारी लड़का लड़कियों का, आप कर सकते हैं दोस्तों कि कुंवारे जो लड़का है, कुंवारे जो भी कुंवार होगा, लड़का लड़की, कुंवारा लड़का लड़की का ये देखें तो गांव में बोलना चाहिए प्रशिक्षण केंद्र है। किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उनकी जनजाति की अपनी रीति रिवाज और परंपराओं की, तो कुंवारे लड़के लड़कियों का प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। और कौन सा प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों, तो अपनी सभ्यता और संस्कृति का, अपनी सभ्यता और संस्कृति का, यानी कि इसका जो होता है ये प्रशिक्षण केंद्र होता है, यानी कि उसकी जो जनजाति है उसकी क्या परंपराएं हैं, क्या उनकी रीति रिवाज है, क्या उसमें चलती है, वो सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ, युवागिरी में। युवागिरी में जो होते हैं दोस्तों, जो इसका अध्यक्ष होता है, जो संचालन करता है, गाँव का किसी जानकार व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि उसका देख रेख करता है। लड़का और लड़कियों दोनों में इसमें सम्मानित होते हैं, यानी कि एक लड़का पक्ष से रहेगा, एक लड़की पक्ष से रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो इस जो युवागिरी की सदस्यता है वो समाप्त कब होती है, तो कोई भी लड़का लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि युवागिरी में लड़के लड़कियों की सदस्यता कब समाप्त होती है, तो जब उसका शादी हो जाता है तब तक उस यहाँ पर देखें तो सदस्यता बना रहता है, शादी के बाद समाप्त हो जाता है। और ये क्या है तो देखें तो अपनी सामाजिक रीति रिवाज का प्रशिक्षण केंद्र है, उसकी परंपराओं को उस बारे में बताया जाता है। दूसरा जो आता है दोस्तों वर्ड है आपका गोत्र या किली। तो कोई कोई जनजाति में इसे किली भी कहा जाता है और कहीं कहीं देखें तो गोत्र भी कहा जाता है। एक गोत्र जो है, एक गोत्र की बात करें तो सभी जनजातियों में देखेंगे किसी में 8 गोत्र, किसी में 12, किसी में 40, किसी में 80, इस टाइप से गोत्रों की संख्या है। और गोत्र का जो निर्धारण होता है वो पिता के वंश के आधार पर ही गोत्र का निर्धारण होता है। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, ऐसे आप लोग जानते होंगे। इस गोत्र में परंपरा है दोस्तों कि समगोत्री विवाह लगभग सभी जनजातियों में वर्जित है, यानी कि जिस जनजाति के लड़का होगा उस जनजाति की उसका जो गोत्र होगा उसी गोत्र के लड़की से शादी नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहे हैं उराव, उराव की अगर बात करें दोस्तों तो किसी का अगर मान लीजिए गोत्र है मुर्मू, अब मुर्मू गोत्र का कोई लड़का है तो मुर्मू गोत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकती है, इसको समझिएगा। यानी कि
एक ही गोत्र के लड़का लड़की एक दूसरे से शादी नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़का लड़की एक ही गोत्र के होते हैं वो भाई बहन होते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, दोनों शादी कर लेते हैं तो इनको जो है गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उसे कहा जाता है बहिष्कृत करना, यानी कि बिठलाहा की सजा। बिठलाहा जो आगे वर्ड है उसमें भी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर समझ गए, गोत्र का निर्धारण पिता के वंश के आधार पर होता है और गोत्र जो होता है वो किसी भी लड़का और लड़की सेम गोत्र से शादी नहीं करते हैं। गोत्रीय विवाह जो होती है वो वर्जित होता है, यानी कि आपको विषम गोत्र में शादी करना है। तो गोत्र और की समझ में आ गया होगा। आगे जो वर्ड है दोस्तों वो है आपका अखाड़ा। अखाड़ा जो होता है वो कहना चाहिए गांव का एक तरह से सभा स्थल, सांस्कृतिक केंद्र। तो आप बोलिएगा कि यहाँ से अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय यहाँ देते हैं रिवागिरी में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ही चीज देखने को मिलेगा कि क्या होता है, जो अखाड़ा होता है वो गांव में सभा स्थल होता है। यानी कि देखें तो जो भी गांव में बैठक होगी चाहे किसी भी मैटर को लेकर के, तो सभा स्थल में होगी। पंचायती बैठक होगी तो सभा स्थल में होगी, यानी कि इस जो अखाड़ा दिखाई दे रहा है यहीं पर बैठक का आयोजन होगी, इसको सभा स्थल बोलते हैं। पंचायत की बैठक कहाँ होगी, तब अखाड़ा में होगी। साथ में यहाँ देखिए जो नृत्य कार्यक्रम होगा, यानी कि नाच गान संबंधी जो कार्यक्रम होगा, नाच गान संबंधी कार्यक्रम ये भी देखें तो कहाँ होगा आपका, अखाड़ा में ही होगा। और इसके अलावा कोई भी और कार्यक्रम का जो आयोजन होगा जो गांव में, ज्यादातर लड़की लड़कियां नाच गान जो करते हैं वो कहाँ करेंगे, तो अखाड़ा में ही करेंगे। तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है अपनी सभ्यता और संस्कृति का, यहाँ पर क्या किया जाएगा अखाड़ा में, सभा स्थल है गाँव का, जहाँ पर किसी भी पंच का बैठक होगा, किसी भी मामले की सुनवाई होगा, चाहे वो पढ़ा पंचायत कर रहा होगा या गांव का कोई प्रधान होगा या मुखिया होगा, जो भी होगा वो बैठक कहाँ करते हैं, अखाड़ा स्थल में करते हैं। इसके साथ ही साथ नाच गान का जो कार्यक्रम होगा किसी भी चीज का, तो वहां पर कहाँ होगा, तो अखाड़ा स्थल में होगा। तो प्रशिक्षण का काम युवागिरी, सांस्कृतिक केंद्र तो अखाड़ा, क्योंकि यहाँ नाच गान सभा के बैठक वगैरह सारा क्रियाकलाप कहाँ सफल हो रहा है, अखाड़ा में हो रहा है। आगे जो वर्ड आ रहा है आपका बिठलाहा, तो बिठलाहा का भी बड़ा महत्व है जनजातियों में। बिठलाहा देखिए ये कहना चाहिए, बिठलाहा का शाब्दिक अर्थ पहले समझ लीजिए दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, यानी कि किसी को समाज से निकाल देना। मान लीजिए कोई जनजाति का एक व्यक्ति है, उसको बिठलाहा की सजा दी जाती है, तो इसको उस गांव से बाहर कर दिया जाता है। गांव से बाहर करने से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर उसके घर से बाहर नहीं निकाल के जंगल में कूदा दिया, वो अपने घर में ही रहेगा सब कुछ, लेकिन इस घर के व्यक्ति से जिसको समाज से बहिष्कार कर दिया गया है उसे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। उसके घर कोई भी पूजा पाठ का आयोजन हो या शादी विवाह का आयोजन हो, किसी प्रकार का पर्व त्योहार का आयोजन हो, किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया हो, तो इसके घर में गांव से कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। उसको बोलते हैं सबसे, अगर देखे जनजातियों में बोला जाता है कि सबसे बड़ी सजा क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे बड़ी सजा है बिठलाहा की सजा, यानी कि सामाजिक बहिष्कार करना। इसको क्या फिर से समाज में शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर उसके प्रश्न में एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा रहता है कि भात भीतार। अब समझ में आया हो दोस्तों कि भात भीतार के द्वारा शामिल किया जाएगा, शामिल करना। अब भात भीतार क्या है तो उसको समझिए, तो भात, भात तो समझते हैं ना, जो चावल दाल भात खाते हैं तो वही भात है। तो भात यानी भात खिलाइए फिर इसको भीतार लेंगे, मतलब अपने समाज में अंदर कर लेंगे, तो इसी को बोलते हैं भात भीतार। तो भात भीतार के द्वारा इसको शामिल किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति को समाज से बिठलाहा किया गया है, यानी सामाजिक बहिष्कार किया गया है, वो अगर पूरे गांव को भात खिलाता है, भात से तात्पर्य दाल भात, वो बड़ा भोज का आयोजन करेगा, और उस भोज के आयोजन के दौरान अगर देखें तो उसको भीतार कर लिया जाएगा। भीतार से तात्पर्य है फिर से उसको समाज में मिला लिया जाएगा, फिर सबके तरह उनके साथ ही व्यवहार किया जाएगा,
यानी कि जो नाच गाना होगी, किसी प्रकार का शादी विवाह होगा, किसी और प्रकार के त्योहार होंगे, उसको हर गांव के लोग पूछेगा और उसको सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करने लगेगा। ये कब करेगा? उसको भाग भितार के द्वारा उसको शामिल किया जाएगा, यानी कि एक बड़ा भोज का आयोजन करेगा जिसमें गाँव के सभी लोगों को वो खान पान की व्यवस्था करके खिलाएगा पिलाएगा। और ये खान पान की व्यवस्था कौन करेगा दोस्तों? तो एक पैन भारा नाम की एक पोस्ट भी होता है गांव में, जनजाति में पढ़िएगा तो वहां पर देखने को मिला। तो पैन भारा जो होता है, जिसको पौन भारा कहीं कहीं पैन भारा दे, तो भाग भीतर का काम कौन करता है? तो पौन भारा करता है। तो सब चीजें वर्ड बार बार आएंगे मिलने की। अब यहाँ पर इतना वर्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों, अगला वर्ड है आपका बाल विवाह। इसको भी थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ी रहिएगा तो आप जनजाति पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। अब यहां पर देखिए तो अगला जो वर्ड है आपका बाल विवाह। तो बाल विवाह क्या है? तो बाल विवाह कहते हैं कि जो सरकार ने एक न्यूनतम आयु निर्धारित किया है कि 18 वर्ष से कम लड़की नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का नहीं होना चाहिए। तो ये बाल विवाह देखिए तो जनजातियों में मान्यताएं और प्रथाएं बिल्कुल भी नहीं है, समाप्त है, लेकिन ऐसे जनजाति देखने को मिलता है। वो जनजाति है आपका मुंडा। मुंडा जनजाति में आज भी बाल विवाह देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी 32 जनजातियां हैं, यानी कि एक को छोड़ दें तो बच कितना ज्यादा है दोस्तों? 31 जनजाति, यानी कि 31 जनजातियां में देखें तो बाल विवाह की प्रथा नहीं के बराबर है। किसी किसी में है लेकिन नहीं के बराबर है एकदम। यानी कि अगर पूछेगा प्रश्न कि बाल विवाह की प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो मुंडा जनजाति में अभी भी देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी जनजातियां आप देखिएगा नजर उठाकर, सभी का शादी देखिएगा 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष 27 28 वर्ष में ऐसे शादी हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बाल विवाह, जो सरकार के निर्धारित आयु से पहले इनकी शादी कर दी जा रही है। और किसी किसी जनजाति जैसे कोरवा वगैरह में है दोस्तों, वहां पर बाल विवाह की प्रथा नहीं देखने को मिलती है। यानी कि लड़का वहां पर देखा जाता है कि लड़की खाना बनाने योग्य हो गई, मतलब सबको खिला पिला सकती है, तब उसको शादी किया जाता है। तब तक लड़की का 17-18 बरस आराम से उम्र हो जाता है। तो यहाँ पर पूछेगा प्रश्न, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखें दोस्तों, एक यहाँ पर बहुत बड़ा चीज आ रहा है, वर मूल्य। तो वर मूल्य और वधु मूल्य, यहाँ पर देखें तो वर मूल्य वधु मूल्य का उल्लेख बार बार जनजातियों में पढ़ने मिलने आएगा। तो वर मूल्य क्या है इसको समझिए। तो वर मूल्य तो जानते होंगे, जैसे कि सभी में देखने को मिलता है सामान्य रूप से। वर मूल्य से तात्पर्य है दोस्तों कि लड़का को दहेज देना। साफ साफ समझिएगा, वर का मूल्य, यानी कि वर जो लड़का आप ले रहे थे उसके से शादी करना चाहते हैं अपने बेटी को, तो लड़का को वर का मूल्य देना पड़ेगा। क्योंकि वो लड़का का मतलब कितने का मूल्य होगा, कितने मूल्यवान लड़का है, यानी कि किस किस पोस्ट पर है, क्या काम करता है, कितना इनकम है, उसके आधार पर उसको मूल्य दिया जाता है। तो वर मूल्य हो गया, मतलब होना चाहिए कि दहेज देना। तो इसको समझिएगा, जानते होंगे कि किस जनजाति में देखने को वर मूल्य मिलता है। तो वर मूल्य लगभग नहीं देखने को मिलता है। एक जनजाति है जहां पर कभी कभी देखने को मिलता है, वो है कोरवा जनजाति। और कोरवा के जनजाति दो रूप है, पहाड़ी कोरवा होता है, डिहवारी कोरवा होता है। जो गांव में बसते हैं उसको डिहवारी, और जो पहाड़ में बसता है उसको पहाड़ी कोरवा कहते हैं। हम जनजाति एक एक करके पढ़ाएंगे दोस्तों, 32 जनजाति पढ़ाएंगे, आप बकाइएगा मत। एक बार में हम 3-4 जनजाति पढ़ा के आपको एक साथ वीडियो डालेंगे, और आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, मजा भी आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो वर मूल्य को पूछा है कि जनजाति में देखने को मिलता है, तो कोरवा जनजाति में। और कोरवा जनजाति में भी ज्यादा नहीं, लिमिटेड मात्रा में मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा 5-10 लाख रुपए की प्रावधान नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि कोरवा जनजाति में वर को क्या दिया जाता है, तो बैल दिया जाता है। और बैल नहीं देने पर कुछ पैसे, यानी कुछ रकम बोल सकते हैं, कुछ सामान मतलब लिमिटेड है। ऐसा जरूर नहीं कि मतलब कुछ बैल अगर दे दिए तो ठीक है काट जोड़ा, और नहीं तो कुछ सामान एकदम हल्का चीज देखने को मिलता है। अगर पूछेगा वर मूल्य किस जनजाति में है, तो कोरवा जनजाति में देखने को मिलता है। एक लिमिट मतलब 1-2 हजार 4 हजार की, उससे ज्यादा नहीं। वधु मूल्य क्या होता है? प्रश्न सबसे ज्यादा यही पर आता है कि वधु मूल्य क्या है, और देखें तो यहाँ बार बार पढ़ने को मिलेगा। तो वधु मूल्य जस्ट तिलक का अपोजिट, वधु का मूल्य यानी लड़की का मूल्य। यहाँ पर देखिए जनजाति में कितनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी कि वधु मूल्य देना पड़ता है। वधु मूल्य तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर कि जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, तो उस लड़की के बदले में लाने के लिए उसके घर वाले को पैसा देना पड़ेगा।
वही होता है वधू मूल्य। यानी कि देखें तो यहां पर लड़की को तिलक देना, लड़की को तिलक देना ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लड़की को तिलक देना। अब बात कीजिएगा सर लड़की को तिलक देना, इसी को बोलते हैं वधू मूल्य। बार बार उल्लेख आएगा, बार बार कंफ्यूजन होइएगा, वधू मूल्य वर मूल्य आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जनजातियां होती हैं उसमें लड़की को तिलक दिया जाता है, यानी कि लड़की के जिस लड़की शादी करने जा रहे हैं तो उसके घर में देखे तो इनमें प्रथा लगन बटाना, आप लोग जानते होंगे। तो लगन बटाने के दौरान लड़कियां जो होती है उसके यहाँ बहुत कुछ उपहार, यहाँ जस्ट अपोजिट होता है लगन बटाने में। लगन बटाना मतलब तिलक चढ़ना, और यहाँ पर तिलक चढ़ने में क्या प्रोसेस है कि लड़की जो होती है वो लड़के के यहाँ तिलक चढ़ाने जाती है, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि लड़की वाले लोग जो हैं उसके घर में आएंगे लड़का वाले, जस्ट अपोजिट सिस्टम है। यहाँ वर देखिए इसी को कहते हैं वधू मूल्य, यानी कि लड़की के यहाँ तिलक जाती है। अब बाकी जैसे हम लोग जनजाति वगैरह में है तो हम लोग में क्या होता है दोस्तों कि ज्यादातर देखने को मिलता है कि लड़के के यहाँ तिलक चढ़ने आ रहा है भाई, लेकिन लड़का है उसका शादी लगे उसका तिलक है। अब इसमें क्या होता है कि लड़की के यहाँ आता है जस्ट अपोजिट, यानी कि जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं उस लड़की को वधू के रूप लाने के रूप में उसे कुछ मूल्य देना पड़ेगा उसके माँ पिताजी को, चाहे वो देखें तो पैसा ना होकर के दाल चावल ज्यादातर होता है, मैंने उसका जो शादी का जो खर्च वहन होती है ज्यादातर देखे जनजाति उनका दाल चावल ही दिया जाता है, और बाकी कुछ कुछ सामान जैसे कपड़ा लता फलान ढिकान जो चीजें चढ़ती है सामान्य शादियां में मिठाई वगैरह ये सब चीजें हैं, पैसे वैसे का ज्यादा प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। ये तो हो गया वधू मूल्य। अगला देखिये दोस्तों विवाह के सारा प्रकार है जो आपको देखे तो बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, पिछला जेपीएससी में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, आप खोल के देखिएगा। यहाँ पर देखिए तो अगला जो पॉइंट आता है आपका विवाह के सारे प्रकार है, विवाह के सारे प्रकार को समझिए। पहला क्या है क्रय विवाह, क्रय विवाह क्या है तो यहाँ पर सेम प्रोसेस यही है जो वधू मूल्य पढ़े वही क्रय विवाह है, यानी कि वधू के लाने के बदले लड़की के पिताजी को या उसके माता जी को जो भी घर में है उसके यहाँ पैसा देना या उसके बदले में मूल्य देना, दाल चावल अचार पैटा कुछ भी हो सकता है वधू मूल्य के रूप में, पैसे का प्रचलन कम है यहाँ, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्रय विवाह है यानी कि लड़की को लाने के लिए उसके गार्जियन को पैसे देना, लाने के लिए उसके माता पिता को मूल्य चुकाना, इस चीज को समझ गए होंगे, लड़की को लाने के लिए उसके माता पिता को मूल्य को चुकाना वही है क्रय विवाह। मतलब कि हम लड़की को खरीद के ला रहे हैं, थोड़ा सा यहां हम इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। क्या है कि जनजातियों में ऐसी परंपराएं विकसित है कि क्रय विवाह देखने को ज्यादा मिलता है, और क्रय विवाह में क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां होती है प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा इनमें देखिए तो सभी को लड़का लड़की सबको समान माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि लड़की कमाने वाली है, मतलब वो घर में काम कर रही थी कमा रही थी। अब इसके घर में माता पिता के पास यहाँ पर देखे तो चार मेंबर थे, ये चारों लोग कमाते हैं क्योंकि लड़का लड़की यहाँ सबको समान माना गया है। अब ये जो है लड़का अगर यहाँ पर देखे एक लड़की को दे देगी तो इस तरह से इसके परिवार में कितने लोग बचेंगे, तीन लोग, यानी कि एक आदमी की इसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने परिवार से कमाने वाले व्यक्ति को तुम्हारे घर दे रहा है कमाने के लिए तो ये नुकसान हो रहा है। तो यही जो एक है तो एक परिवार को जो आप लाभ है तो उसके बदले उसको कुछ दीजिए, आप हमारे घर से एक जो है काम करता व्यक्ति को ले गए इसके बदले आप मुझे कुछ दीजिए, तो इसी को बोला जाता है वधू मूल्य देना, और ये जो देता है उसी को बोलते हैं क्रय विवाह, इसी को क्या बोलेंगे क्रय विवाह। यानी कि यहाँ पर चार मेंबर कमाने वाले थे, एक मेंबर को आप उठा के ले आ रहे हैं, और यहाँ पर कितने मेंबर बच रहे हैं, तीन मेंबर बच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इस मेंबर आ रहा है तो उसके बदले में उसके गार्जियन को ही देना कुछ, वही बोलाता है क्रय विवाह। अब थोड़ा समझिएगा सेवा विवाह,
क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा होगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से उसको कभी वीडियो में समझा देंगे या स्पेशल आपको मैसेज करके समझाएंगे। यहाँ पर देखिए तो आगे है सेवा विवाह। अब सेवा विवाह क्या है इसको भी थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर सब लड़कियों के पक्ष में ही है। अब सेवा विवाह मतलब क्या होता है कि किसी को सेवा करना, तब यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेवा विवाह जो है ये कौन करता है तो वर के द्वारा किया जाता है, लड़की के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर वर कन्या, लड़की जब बोलेंगे तो कन्या और वर मतलब लड़का ही समझ लीजिएगा, वर बोलिए या लड़का। लड़का जो होगा दोस्तों वधु मूल्य चुकाने के लिए वह नहीं सक्षम है। कोई लड़की है उसे शादी करना चाहता है, उसके पिताजी बोलते हैं कि हमको ये चीज का चाहिए, मान लीजिए एक जोड़ा बैल चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए, 20 किलो आटा चाहिए, कि एग्जांपल दे रहे हैं, उसको रियलिटी में नहीं लेना है, एक उदाहरण है। इसके बाद देखिए वो लड़का बोलता है कि हम चुकाने के लिए विवश हम नहीं चुका सकते हैं, लेकिन आप जो है अपनी बेटी से मेरे को शादी कर दीजिए। तो उसके बदले में क्या करेगा जो वर है या लड़का, तो भावी सास ससुर के यहाँ जाकर के उनकी सेवा करेगा। सेवा देखिए तो 4 साल 5 वर्ष भी हो सकता है, 4 से 5 साल भी हो सकता है। अभी क्या करेंगे लड़का जो है लड़की के घर में ही जाकर रहेगा, जिसको बोलते हैं घर दमदा, समझते हैं ना वही चीज। तो जो लड़का है वो 4-5 साल तक भी लड़की के घर में जाकर रहेगा और उसके माता पिता जी को सेवा करते रहेगा। सेवा करने का मतलब उसके घर में जो काम होंगे, मजदूरी करना, खेती बाड़ी करना, जो भी काम उसको मिलेगा वो सबको करेगा, तो इसी को बोलते हैं सेवा विवाह। ये सेवा विवाह में समझे तो लड़का या वर ये 4-5 साल तक किसकी सेवा करता है दोस्तों, तो सास ससुर की सेवा करता है। यहाँ पर लिखिएगा सास ससुर की सेवा। यानी कि सास ससुर की सेवा तो समझ गए होंगे, यानी कि सेवा विवाह हो गया। देखिए किसके पक्ष में, सारा पक्ष लड़कियों का यहाँ पर हावी है, कितनी इसमें अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही। इसके बाद दूसरा देखें तो हरण विवाह। अब हरण विवाह क्या होता है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि जो सेवा विवाह होता है उसमें लड़का जो होता है अपने सास ससुर के यहाँ रह करके उसकी सेवा करता है, और कब के लिए, जब तक उसका वधू मूल्य नहीं चुक सकता है, 4 से 5 साल की अवधि भी हो सकता है। यहाँ पर देखे तो हरण विवाह, हरण करना मतलब क्या होता है आप लोग समझते होंगे कि सीता हरण हो गया, रामायण में सब पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे। हरण मतलब होता है किसी को चुरा के ले जाना, भगा के ले जाना, उठा के ले जाना, उसको बोलते हैं हरण करना, नहीं जबरदस्ती अब हरण कर लेता है। तो हरण विवाह भी वही चीज है। यहाँ पर देखें तो हरण विवाह में क्या होता है कि कोई लड़का है उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है। अब लड़की पसंद तो आ गई तो उसको क्या कर उठा के ले जाएगा अपने घर, उसको जबरदस्ती उठा के ले जाएगा। ये कहाँ से उठाएगा, तो घर से थोड़ी ना उठा लेगा, तो कहीं मान लीजिए लड़की गया है बाजार गया है, मेला गया है, या कहीं और भीड़ भाड़ इलाका में गया होगा, तो कहीं और भीड़ भाड़ इलाका में कह सकते हैं भीड़ भाड़ इलाका। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि लड़की तो पसंद आ गई, उसको बहुत दिन से देख रहा था कि कहिया मौका मिलेगा उसको उठा के ले जाएंगे। अब बाजार में मेला में भीड़ भाड़ के इलाका में उसको मिलता है मौका, उठा करके ये ले जाता है, कौन ले जाएगा इसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लड़का ले जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, लड़का ले जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है हरण करके, मतलब हरण करके, यहाँ पर हरण से लिख सकते हैं नीचे अपहरण, अपहरण भी कर सकते हैं, यानी कि अपहरण करके देखें तो लड़की को ले जाना और उसे साथ शादी कर लेना, यही है हरण विवाह। यानी कहाँ से होता है, बाजार से, मेला से, भीड़ भाड़ इलाका से। एक प्रकार से अगर ये देखें, नोट में लिख लीजिएगा, एक प्रकार से प्रेम विवाह ही है, यानी कि एक दूसरे को चाह रहे थे और उसको जबरदस्ती ले जाकर के फिर शादी करते हैं, एक प्रकार की यहाँ नोट मिली के, एक प्रकार की यह प्रेम विवाह ही है, नोट, एक प्रकार यह प्रेम विवाह ही है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो हट विवाह अगला है, हट विवाह। हट विवाह भी समझिए क्या है, हट मतलब क्या होता है, हट करना, यानी बोलते हैं लड़का बड़ी हट्टी है यार, यानी जिद्दी है, तो हट का मतलब साफ जिद, जिद करना, किसी चीज को पाने की जो जिद होता है तो उसी को बोलते हैं हट। तो हट विवाह जो होगा ये किसके द्वारा जिद किया जाएगा, तो लड़की के द्वारा,
तो यहाँ तो ध्यान देना है, थोड़ा सा समझिएगा, ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, कहे कि एग्जाम में भी कभी लिखने के लिए आएगा तो आप अच्छे समझे रहिएगा तभी लिख पाइएगा। हठ विवाह मतलब जिद करना, इस जिद किसके द्वारा किया जाता है, लड़की के द्वारा। अब लड़की पर यहाँ थोड़ा समझिएगा कि लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, जस्ट यहाँ पर थोड़ा अपोजिट हो जाता है कंडीशन। लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आ गया, अब वो लड़की चाहती है कुछ लड़का से शादी करना, वैसी परिस्थिति में क्या करेगी लड़की, बिना किसी से विचार विमर्श किए, किसी से राय लिए, न अपने घर से न उस लड़की के घर से, एक डायरेक्ट लड़के के घर में घुस जाएगी। लड़की जो है लड़के के घर में आके रहने लगेगी, घर में जबरदस्ती, सुनो समझिएगा, हट मतलब होता है जीत, और कि जीत किसके द्वारा किया जाएगा, लड़की के द्वारा, और जो लड़की लड़के के घर में जबरदस्ती रहना, अब वो क्या करेगा, वो बिना विचार विमर्श किए किसी से वो लड़की के घर में आकर जबरदस्ती रहने लगती है अपने मनमानी से। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लड़के के घर वाले उस लड़की को डांटे दबाए कुछ भी करे, या तो यहाँ पर देखे तो उसको अपमान करे, जितना सारा जलील करना है, ऐसे वैसे फलान ढिकान बोल करके जो भी करना है, तो ऐसी स्थिति में लड़की अगर देखे तो उसके घर में फिर भी रहता है, नहीं भागती है, यानी कि जितना भी उसको बेइज्जती किया जाए वो नहीं भाग रही है। तो वहां पर देखें तो जो लड़की होगी तो लास्ट में कहा जाता है ये लड़की धीरे धीरे इतना हठी हो जाती है कि खाना पीना सब त्याग देगी, नहीं खाएगी एकदम, यहाँ पर मरणोपरासन में हो जाएगी, यानी मरने की स्थिति में हो जाएगी एकदम। तो लड़की वाले क्या कर देंगे, बेचारे मजबूर हो जाते हैं लड़की की स्थिति देख करके लड़के वाले, तो लड़की वाले को फिर लास्ट में शादी करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हठ विवाह। तो हठ विवाह अगर लिखना है तो एक वर्ड में लिख सकते हैं कि लड़की के द्वारा लड़के को पसंद आने पर, नहीं ऐसे मत लिखेगा, ये लिखेगा दोस्तों कि लड़के है, जो लड़की है वो किसी लड़का को पसंद करता है तो उसके घर में जाकर के जबरदस्ती रहने लगता है और जिद करता है कि तुम शादी करो, और इसके लिए वो खान पीना सब छोड़ देगा और मरणोपरासन की तरफ चला जाएगा, मतलब धीरे धीरे वह एकदम कोना चे सूखने लगेगा, एकदम कि करवे करो, एकदम जिद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में लड़के को शादी करना पड़ता है, चाहे उसके घर वाले कितना भी जलील करके उस लड़की को भगाए। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आता है दोस्तों, पलायन विवाह। पलायन विवाह क्या है, पलायन विवाह का मतलब होता है, पलायन करना मतलब समझते हो ना कि भाग जाना, यानी कि यहाँ से वो नहीं बोलते हैं कि पक्षी यहाँ से पलायन किए वहां चले गए, प्रवासी बन गए यहाँ से वहां चले गए, पलायन कर गए। तो पलायन मतलब ही वही, पलायन विवाह मतलब होता है आप क्या कर सकते हैं कि भाग जाना, यहाँ पर इसे पलायन विवाह का मतलब होता है भाग कर शादी करना, भाग कर शादी करना। अब थोड़ा यहाँ भी समझ लीजिए, पलायन विवाह मतलब हो गया भाग कर शादी करना, कौन भाग कर शादी करेगा भाई, देखो कौन करेगा, मान लो कि एक लड़का और एक लड़की दूसरे को पसंद करते थे, ठीक, पसंद करते थे, लेकिन उसके घर वाले उसको शादी करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, न लड़की वाले घर की मंजूरी मिल रही थी, न लड़के वाले घर की मंजूरी मिल रही थी, आखिर लड़की वाले मान भी गए तो लड़के वाले के घर नहीं मान रहे हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है, ये जो पलायन कर जाते हैं, यानी कि लोग दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं और भाग जाते हैं, शादी नहीं भी करते हैं तो भाग जाते हैं, भाग करके मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ भाग कर गए, हो सकता है कहीं कमाने दूर चले गए, तो फिर क्या, तो कुछ दिन बाद घर में लड़का आएगा ही, चाहे उसको बुलाया जाएगा और बुला करके फिर दोनों को शादी करा दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है पलायन विवाह, यानी भाग करके विवाह करना। अगला जो एक वर्ड है विनिमय विवाह, बोलट विवाह, इसको विनिमय विवाह भी बोलते हैं या बोलट विवाह भी कहते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। विनिमय मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी का लेन देन करना। गोलट विवाह तो यहाँ पर आप लोग जो सबको जानते होंगे सब चीजों को, तो उसी चीज को है लेन देन करना। अब देखिए क्या होता है विनिमय विवाह में, इधर से लड़का और लड़की ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन इधर वाले जाते हैं किसी के घर में और इधर से भी आते हैं, थोड़ा समझिएगा कि लड़का जो है इधर दूसरे एक फैमिली इधर हो गया, फैमिली दूसरी फैमिली इधर हो गया, ये लड़का के जिसके घर में शादी हो रहा है वहां से वो लड़की लाता है, यहाँ से लड़की लाएगा यानी कन्या लाएगा, और जो लड़की है यानी कि इसका जो बहन है उसके बहन के यहाँ
उसके भाई के यहाँ दे देता है। मतलब कि एक लड़का के परिवार जो है अपने भाई बहन के जो है दोनों को वो शादी उसी परिवार में कर रहे हैं, यानी कि जिस घर में कन्या ला रहा है उसी घर में अपना बहन को दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं गोलट विवाह, यानी कि एक लड़की को देना और दूसरी लड़की को वहां से लाना, यानी कि इसको बोलेंगे। यहाँ पर ही लड़की गया तो यहाँ पर अगर देखे दोस्तों यहाँ लड़का हो जाएगा, समझ सकते हैं कि लड़का इधर से लड़की को लाता है और लड़की उधर का लड़का इधर से लड़की लेके जाता है, यानी कि एक ही परिवार में जो भाई बहन उसके यहाँ गया और उसका बहन इसके यहाँ आया, उसी को बोलते हैं गोलट विवाह या विनिमय विवाह। तो ये हो गया दोस्तों कि बार बार जनजाति पढ़ने में आपका उल्लेख आएगा, कुछ और वर्ड आएंगे उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, भागिए मत। जैसे कि ज्यादातर जनजातियों में देखें दोस्तों तो धार्मिक प्रधान के नाम आता है, सरना स्थल का नाम आता है, तीसर भी चीजों को थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। धार्मिक देखिए अगर यहां पर देखें तो धार्मिक प्रधान गांव में सबसे पहले अगर देखें तो किसी किसी जनजाति में बैगा होता है, किसी में पाहन होता है, और किसी में अगर देखें दोस्तों तो दिवरी होता है। तो ये जो है दोस्तों एक गांव के कहें तो धार्मिक प्रधान होते हैं। प्रश्न ये भी पूछता है कि गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो कहीं कहीं पाहन आएगा नाम, कहीं कहीं दिवरी नाम आएगा, कहीं कहीं बैगा, इसको पढ़ लीजिएगा जनजातियों में। तो ये सब क्या है दोस्तों धार्मिक प्रधान है। तो इसे यहाँ से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में देगा तीनों में, अगर कोई एक ही को देगा ऑप्शन में बार बार ऐसा नहीं है कि तीनों दे देगा, ये धार्मिक प्रधान कौन होता है गाँव का, तो वहां पर आपको बैगा टिक आउट करना, पिछले जेपीएससी में प्रश्न पूछा था, यहाँ पर बैगा हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर बैगा नहीं तो पाहन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देखें तो दिवरी कर सकते हैं, इस तरह से धार्मिक प्रधान हो गया। अब सरना क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। सरना जो है दोस्तों ये देखें तो गांव का एक बीचों बीच में पूजा स्थल होता है, यहाँ पर देखें तो जनजातीय लोग होता है पूजा करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए गांव में जहाँ पर सरना होती है वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ों का झुंड होता है, बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, पेड़ पौधा बांस बखार जो होता है ये भी होता है, मेरे गाँव में भी है ऐसा। यहाँ पर देखो तो सरना स्थल होता है जहाँ पर जो होता है बैगा जो होता है और गांव के जो धार्मिक प्रधान पाहन वगैरह जो होते हैं यहाँ पर पूजा करते हैं। सरना स्थल क्या है, पूजा स्थल है जहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गांव में एक बार पूजा का आयोजन होता है, और यहाँ पर देखें तो पेड़ पौधा की बहुलता होती है, यानी पेड़ पौधा ज्यादा चाहा जाता है। अब सरना संस्कृति क्या है तो उस पर भी अगर बात करना है दोस्तों थोड़ा विशेष बता देता हूँ। सरना संस्कृति मतलब हो गया कि जो संस्कृति प्राचीन परंपराओं से चली आ रही है, यहाँ पर देखे तो सरना संस्कृति इसीलिए झारखंड में बोलता है कि इसको बचाया जाए क्योंकि पहले से जो संस्कृति चली आ रही है। तो सरना एक ऐसा धर्म है जिसमें यहाँ पर न वेद है, न गीता है, न पुराण है, न यहाँ पर कोई शास्त्र है, न बाइबल है, यानी कि इनकी संस्कृति जो सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, जिसकी पूजा पहले से आ रही थी, पृथ्वी की पूजा हो गई, पहाड़ की पूजा हो गई, ये सब चीजों की जो पूजा हो रही थी उन्हीं संस्कृति यहाँ पर देखे तो किसी यहाँ पर किसी के द्वारा दिया गया संस्कृति नहीं है कि मान लीजिए कि आप रामायण आए तो भगवत गीता आए, तो यहाँ पर कुरान आए तो इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, बाइबिल आए तो यहाँ पर ईसाई मिशन का प्रचार हुआ। तो जो सरना संस्कृति है प्राचीन परंपराएं संस्कृति है जिसमें किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है, जो एक लौकिक जीवन पहले से चली आ रही है सूर्य चंद्रमा की पूजा करने की, वही सरना संस्कृति को बोला जाता है कि बचाइए और किसी धर्म को मत अपनाइए, जो इनकी प्राकृतिक प्राचीन धर्म है उसी को अपनाइए। तो उसमें विशेष अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो सरना स्थल हो गया, यहाँ पर भी दो वर्ड आएंगे बार बार अपने जाते पढ़ने के समय, शासन शासन आएंगे या ससान आएंगे, दोनों लिखते रहो, शासन आएंगे या ससान आएंगे या ससन आएंगे, ससान ही रहता है, शासन दो ही वर्ड रहता है। यहाँ पर अगर देखे तो शासन जो होता है वो समाधि स्थल होता है, जनजातियों में देखे ज्यादातर तो क्या होता है समाधि स्थल, इसको बोलते हैं मुर्दा, मुर्दा गढ़ या मुर्दा स्थल, स्थल कर दीजिए ज्यादा सुंदर लगे, मुर्दा स्थल। यहाँ पर समाधि स्थल शासन हो गया, शासन हो गया उसको शासन या शासन, दोनों वर्ड में से कोई अगर कंफ्यूजन नहीं होना पकड़ लीजिएगा आराम से, उसको बोलते हैं समाधि स्थल या मुर्दा स्थल, जहां पर गांव में मुर्दाओं को गाड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है, शासन कहा जाता है या शासन कहा जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो मुंडा में है,
कि जिस स्थान पर शासन को गाड़ा जाता है, यानी कि जिस स्थान पर मुर्दा को गाड़ा जाता है, उसके ऊपर कुछ पत्थर चढ़ा दिए जाते हैं, तो उस पत्थर को चढ़ाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, क्योंकि उसको पवित्र मानते हैं पत्थर वहां पर रखना मुर्दाओं के ऊपर, तो उसको बोला जाता है शासन दीरी, शशान दीरी भी बोल सकते हैं, शशान दीरी उसको, जहां पर पत्थर रखा जाता है। तो ये हो गए दोस्तों कुछ कुछ चीजें जो वर्ड है उसको याद रखना है। अब ये आगे जो जनजाति पढ़ेंगे तो किस जनजाति में इवागिरी को क्या बोला जाता है उसको जाएंगे, जैसे किसी में गीती वड़ा बोला जाएगा, किसी में घूम कुड़िया बोला जाएगा, उन सभी चीजों को अलग अलग डिफाइन करेंगे और वहां से भी प्रश्न रहते हैं, तो जनजाति में पढ़ेंगे आगे। ये तो बेसिक वर्ड थे जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर पढ़ने से पहले, तभी आपको उस समय पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। अब मान लीजिए बोलेगा तो हठ विवाह किया जाता है, हठ विवाह पता ही नहीं है कि क्या से होता है, तो उसको समझना जरूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए दोस्तों, और अच्छा लगता है तो अपने कम से कम दोस्तों को शेयर कीजिए, किसी को नहीं करना है तो उस दोस्त को कीजिए जो आपके बहुत खास होते हैं, जिसके साथ आपका लगाव होता है। जय हिंद दोस्तों।